अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा जाना हुआ शहजाद और फेला मुंडा के पास। तो जनाब, जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें पता चला कि शहजाद भाई घर पे मौजूद नहीं है। तो हमें बहुत उदासी हुई, हम मायूस होकर वापस लौट रहे थे। तभी हमें उनके छोटे भाई मलिक रिजवान मिले। उन्होंने हमारे साथ खूब वीडियो भी बनाए, फ़ोटो भी बनाए और हमें बहुत प्यार दिया। मैच भाई और ये ना दिल मंगे कि इतने रस्ते से लड़के मैच खेल रहे हैं ना के यार सामने एक तो गेंदा करा दी हो इतने ऐसे सटे की तो है तो फिर ऐसे जा रहे हैं आगे आ नहीं यार वीडियो चल रही उसके बाद फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हुए। हमने जाना था आगे खिजर उमर भाई के पास। तो जब हम खिजर उमर भाई के डेरे पे पहुंचे तो वहां हमें जाकर पता चला कि खिजर उमर भाई भी अपने डेरे पे मौजूद नहीं है। हमने पता किया कि वो कहां पे गए हुए हैं, तो हमें बताया गया कि वो शूटिंग पे गए हुए हैं। तो उसके बाद वहाँ हमें थोड़ी सी परेशानी हुई कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ, पहले शहजाद भाई भी नहीं मिले और अब खिजर उमर भाई भी नहीं मिल रहे। तो हम वापस आ रहे थे तो वहाँ हमें एक दोस्त ने बताया कि यार अगर आप उनकी टीम के जो स्टार हैं शाहजेब भाई और कामरान भाई उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो हम आपको मिलवा देते हैं। हमने कहा यार अगर आप हमारी उनसे मुलाकात करवाते हैं तो इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए। वो भी माशाल्लाह लिया में खिजर उमर भाई के साथ काम करते रहे हैं, तो खिजर उमर भाई के बाद वो भी स्टार हैं, आप हमें उनसे मिलवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो वो हमें लेकर गए शाहजेब भाई और कामरान भाई के पास। और कामरान भाई और शाहजेब भाई ने हमें खूब प्यार दिया, हमारे साथ वीडियो भी बनाई और हमारे साथ फ़ोटो भी बनवाए। जो लोग भी इनके बारे में गलत बातें करते हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई आप इनके बारे में ऐसा वैसा कुछ ना बोला करें, ये आप लोगों से मुलाकात भी करते हैं और बहुत मोहब्बत भी देते हैं।